गुलबर्गा शहर के ओल्ड रोजा पुलिस स्टेशन के करीब दरगाह रोड पर कर्नाटक का वन सेंटर ओपन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा के हाथों किया गया है। गुलबर्गा नॉर्थ में कुल 7 कर्नाटक का वन सेंटर ओपन हुए हैं और दरगाह एरिया मेन रोड पर वार्ड नंबर 20 में राहुल रंगदाल की निगरानी में यह सेंटर ओपन किया गया है। गुलबर्गा शहर के दरगाह एरिया और आसपास के लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम कास्ट, पैन कार्ड और दीगर तमाम काम के लिए निम्मदी केंद्रा और गुलबर्गा वन को जाना पड़ रहा था। अब ये सारे काम दरगाह एरिया में ओपन हुए कर्नाटक वन सेंटर में किए जाएंगे। इस इनोग्रेशन के मौके पर नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, फराजुल इस्लाम, खुसरो जागीरदार के अलावा तहसीलदार निसार अहमद नागम्मा, तलाटी मोहम्मद शफी और दीगर कई मेहमान यहाँ मौजूद थे। तमाम लोगों ने दरगाह एरिया और आसपास के लोगों से गुजारिश कर कहा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, इनकम कास्ट और दीगर तमाम काम के लिए आप कर्नाटक वन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। राहुल रंगदाल ने कर्नाटक वन के इनोग्रेशन में आए तमाम मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर आप तमाम से कर्नाटक वन के जरिए दी जाने वाली तमाम सर्विसेज का फायदा हासिल करने की गुजारिश की है। आज यहाँ वार्ड नंबर 20 में उसमें जागीरदार तब के वार्ड में दरगाह के पास गुलबर्गा वन का ओपनिंग हुई है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी सहूलत है। यहाँ के लोगों को सबसे आधार कार्ड का सब में ज़्यादा सहूलत है, बाकी तमाम कई चीज़ें हैं आप लोगों को यहाँ पर सहूलियात है, इलेक्ट्रिकल बिल है, पेमेंट ऑफ वाटर बिल, तमाम चीज़ों की सहूलत है यहाँ पर आप लोगों को। और ये ऑफिस सुबह 8:30 से लेकर 8 बजे तक शाम में रहेगा। यहाँ के जो एरिया के लोग हैं उन लोगों को टोटल गुलबर्गा नॉर्थ में 8 ऑफिस से खुले हैं सबको हर एरिया में सहूलत के लिए। और यहाँ के एरिया के लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ, आप लोगों को अपने घर के करीब ही आप लोग आके तमाम बिल्स वगैरह पे कर ले सकते हैं। और तमाम लोगों को आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देती हूँ और मैडम का, तहसीलदार मैडम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और इंशाल्लाह आइंदा भी अगर ज़रूरत रही तो और ज़्यादा गुलबर्गा बन के डालें कोशिश करेंगे। आज कर्नाटक वन का आज यहाँ पर वार्ड नंबर 20 में ओपनिंग रखी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरमा कनीस फातिमा साहब नॉर्थ एमएलए एंड फरहानुल इस्लाम साहब और गुलबर्गा तहसीलदार मैडम और गुलबर्गा तहसीलदार ग्रेड टू निसार साहब, तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पर आकर कर्नाटक वन ओपनिंग किए हैं। मैं मेरे जानिब से और मेरे तमाम आवाम की जानिब से मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो गुलबर्गा वन लोग काफ़ी यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता था, काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था। हमने प्रपोजल दिया मैडम को, मैडम ने यहाँ पर एक आज ब्रांच ओपन की है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर राशन कार्ड का एप्लीकेशन भी डाले जाएगा और करेक्शन भी किया जाएगा, हेल्थ और आधार कार्ड का भी करेक्शन और अप्लाई इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी चालू हो जाएगा। और यहाँ पर अभी जो चालू है जैसा कि पेंशन का आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और लाइट बिल का आप वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आकर आप पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ और यहाँ पर जो एरिया है वार्ड नंबर 20 दरगाह के पास जो मठ के पास में ये शॉप की गुलबर्गा वन की ओपनिंग की गई है और इनकम कास्ट सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और दूसरे पैन कार्ड का भी, तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट के चीज़ें हैं यहाँ पर आप आगे सहूलत ले सकते हैं। मैं मेरी जानिब से आवाम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आकर तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पर आपको दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चालू हो जाएगा। मैं और एक बार राहुल को और उनके फैमिली को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आवाम को आप सहूलत दें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर रखें। सुबह 8 बजे से शाम में 9 बजे तक इंशाल्लाह ये गुलबर्गा वन कर्नाटक वन रहेगा, आप तमाम लोग यहाँ के सहूलत अपने हासिल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ कलबुर्गी में महानगर पालिका के तहत आने वाले 7 कल कर्नाटक वन सेंटर को मैडम आज एमएलए नॉर्थ मैडम इनॉग्रेशन किए हैं।
यहाँ तमाम लोगों को सुविधा मिलने वाली है, नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को। कर्नाटक का वन यहाँ हमारे मिनी विधानसभा में जैसे सर्विसेज मिलते हैं वैसे ही सर्विसेज हर जगह यहाँ लोग ले सकते हैं, बिना क्यू में ठहरे हुए हर तरह के सर्विसेज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट, हमारे रेशन फूड सर्विसेज का सर्विसेज, और जैसे गृहलक्ष्मी गृह ज्योति के जो हमारे सेंटर में हुआ है वैसा ही अभी आने वाले गवर्नमेंट के हर स्कीम यहाँ लोग फ़ायदा ले सकते हैं। और हर आवाम को हम गुजारिश करते हैं कि आके कर्नाटक वन सेंटर का सर्विसेज का फ़ायदा लेने के लिए। और दिनों से जो प्रॉब्लम चल रही है गुलबर्गा वन में, तो वो सहूलत यहाँ पर भी मिलेगी और यहाँ पर मिलेगी? पूरे सर्विसेज अभी स्टार्ट कर लिया जाएगा। अभी जो आधार और का जैसा सर्विस है थोड़ा दिन के बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा इधर। नहीं, उसका एक प्रोसीजर रहता है, लॉगिन आईडीज और सिस्टम का डिटेल्स वो चाहिए रहता है, और यूआईडीए को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, आधार अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उधर से आने के बाद वो एक प्रोसेस रहता है, एक 15-20 डेज में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और पूरे गवर्नमेंट के जो भी फीस है उसके तहत ही यहाँ चलता है। अभी इधर नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 7 लोकेशन है, बड़ा रोजा में एक है, और आज़ादपुर रोड उधर एक है, नगरेश्वर स्कूल के अपोजिट, महबूब नगर में मक्का कॉलोनी, अड़न चेक पोस्ट उधर एक है, और शहबाजार मल्ला नियर मरगमा टेम्पल उधर एक है, और अड़न रोड डेक्कन हॉस्पिटल नियर डेक्कन हॉस्पिटल उधर एक है। टोटल 7 इधर है, और टोटल कलबुर्गी सिटी कॉरपोरेशन के तहत 16 सेंटर्स, नॉर्थ और साउथ मिला के 16 सेंटर्स टोटल इनॉग्रेशन हो गए। मैं एमएलए मैडम और तहसीलदार ऑफिसर्स और कॉरपोरेटर सर सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आज मेरे ओपनिंग में आए, और मेरे साथ और 6 जना का भी ओपनिंग हुआ है, और उनके तरफ से भी सब कॉरपोरेटर्स को अपने और मैडम को और तहसील ऑफिसरों को सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरे एरिया के जो भाई बहना थे उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आके मुझे कोई मुबारकबाद दिए, और मेरे फैमिली है, मेरे दोस्त है, और उनको भी खुशी की बात है मैं देता हूँ जो मुझे इतना टाइम देके आए। और मैं अब आम जो अब ये नमदी केंद्र का जो सर्विस है अब हम यहाँ पे ही देने वाले हैं। मेरा एड्रेस है बंदनवा दरगाह अपोलो मेडिकल एग्जिट, उसके अपोजिट है, और कोई भी फोन बोले तो भी मेरा एड्रेस बोल देते, इजी है और इतना हार्ड नहीं है, मगर कोई भी आपको फ़ोन लगाना है तो मेरा नंबर भी मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे नंबर पे कॉल करो, मैं आपको उठा के बोल दूँगा। 9916835646। टाइमिंग सुबह 8 बजे से रात में 8 बजे तक सर्विस देता हूँ, और लंच का टाइम एक घंटा बंद रहता है। और मैं हमारे एरिया के लोगों को बोलता हूँ वहाँ जाने से आपको इधर ही सर्विस देने के लिए हम बैठे हैं, और आपको तकलीफ़ ना देते हम काम करेंगे, बोल को दो बात बोल को धन्यवाद बोलता हूँ। इवत्तु ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಾರ್ತ್ ಶಾಸಕರಾದ ಖನಿಜ ಫಾತಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸುಮಾರು 7 ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಸಂಜೆ 8 ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಸ್ಟು, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು 370 ನೆಮ್ಮದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ ಅವೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಒಂದು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಾತ್ರಿ 8 ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಗರದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ EDCS ಟೀಮು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.